किरण, स्वागत है आपका। बताइए, पहले तो कौन से स्टॉक्स चुने आपने आज ट्रेडिंग के लिए पिक्स के तौर पर, और तेजी करेंगे या मंदी? वेरी गुड मॉर्निंग आनंद जी। दोनों ही साइड के सौदे रहेंगे, तेजी के भी रहेंगे, मंदी के रहेंगे। मुझे लगता है मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी और रेंज में रहेगा। पहले निफ्टी का रेंज मेरा 8050 से लेके 8130 यही रेंज है, और इसमें अगर कोई ट्रेड करना है तो पहले शॉर्ट साइड में जस्ट डायल का एक बहुत अच्छा स्टॉक दिखाई देता है। बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये कल नीचे आया था, और इसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी देखने को मिले थे। और अगर ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो उधर भी एक बहुत बड़ी मंदी का मूव देखने को मिला। 680 से लेके 660 और सॉरी 380 से लेके 360 और 340, ऐसा ये ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 340 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए आज के सत्र में। तो 365 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। शॉर्ट पोजीशंस 340 से लेके 333 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरे दो स्टॉक्स जो मुझे तेजी के लगते हैं, वो उसमें एक पहला एसीसी सीमेंट स्टॉक है, जिसका अगर टेक्निकल चार्ट देखते तो बहुत अहम लेवल पे है। पूरे अगर हम 2007 से लेके अगर सारे बॉटम ज्वाइन करते हैं तो उसके बॉटम के बिल्कुल लोअर एंड का टेस्ट किया है, और कल इसने एक छोटा सा बाउंस बैक दिया है। एक ही थोड़े से दिक्कत वाली बात है कि वॉल्यूम्स नहीं है, पर थोड़ा सा रिस्क लेके मैं बाय करने की सलाह दूंगा, क्योंकि कल सारे सीमेंट स्टॉक में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही थी। तो एसीसी बाय करने की सलाह होगी 1280 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट के लिए 1325 आज के लिए, और दो तीन ट्रेडिंग सेशंस में 1350 के टारगेट भी देखने को मिलेंगे। अल्ट्राटेक दूसरा स्टॉक होगा जहां पे मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ये भी एक अच्छे सपोर्ट के साथ इसने बाउंस बैक दिया है। ये करीबन मई जून में एक यही सपोर्ट्स थे जहां से एक बाउंस बैक मिला था, उन्हीं लेवल्स के साथ। तो ये स्टॉक कल कल के सत्र में अच्छा बाउंस बैक दिया, तो मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक बाय करने की सलाह होगी। 3100 का स्टॉप लॉस रहेगा, 3240 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। और फोर्थ स्टॉक रहेगा कैश मार्केट का, जय कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर। ये मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है, और कल के सत्र में पूरे दिन में अच्छा वॉल्यूम्स के साथ हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा था, और ये कंटिन्यू होता नजर आएगा। और डेली चार्ट्स पे इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न का ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया था, और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है। तो मुझे लगता है कि इधर ट्रेडिंग के लिहाज से बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 212 का रहेगा, और टारगेट के लिए 227 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 227 पे बेचने की सलाह नहीं हुई, उधर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। ओके,